नमस्ते, मैं आशीष आनंद यादव स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल जिसका नाम है ट्रैवल्स इन इंडिया यूनिवर्स। आज हम इंडिया के एक ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जो कि हमें इंग्लिश लोगों की देन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, जिसे भारतीयों ने एक तरह से रिलीजन का स्टेट दिया हुआ है। क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट की जानकारी आज हम इस वीडियो द्वारा देंगे। आप सभी जानते हुए होंगे कि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड इस देश में हुआ था, लेकिन आपको ये शायद ही पता होगा कि इतिहास में सबसे पहली इंटरनेशनल मैच यूएसए और कनाडा के बीच खेली गई थी। ये मैच 24 सितंबर 1844 को खेली गई थी। हालांकि इसे कभी भी टेस्ट मैच का दर्जा नहीं मिला था। आगे जाके इंग्लैंड टीम के टूर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देशों में होने लगे। सबसे पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, जो कि हुआ था 1877 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रन से हरा दिया था। 1882 में द एशेज सीरीज की शुरुआत हुई, जो दो सालों में एक बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। यह सीरीज जीतने वाली टीम को दुनिया की सबसे फेमस पर सबसे छोटी ट्रॉफी दी जाती है। 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश टीम को उनके घर जाकर हराया था, तब एक न्यूज़पेपर द्वारा इंग्लिश क्रिकेट की डेथ होने की और उस डेथ के एशेज ऑस्ट्रेलिया ले गई वाली अजीब गरीब न्यूज़ प्रिंट करा दी। जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट टूर किया, तब इन एशेज की बातों को अस्तित्व में लाते हुए सच में ही दो बेल्स जलाकर उनके एशेज यानी उन बेल्स की राख कप में डाली गई, जिसे आगे जाके एशेज सीरीज ट्रॉफी का स्वरूप मिला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद 1889 में टेस्ट क्रिकेट स्टेटस पाने वाली साउथ अफ्रीका ये तीसरी टीम बनी। वेस्टइंडीज 1928 और ब्लैक कैप्स यानी न्यूजीलैंड ने 1930 में अपना फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला, और उसके दो साल बाद 25 जून 1932 में हमको यानी इंडियन टीम को फाइनली टेस्ट टीम का ऑफिशियल स्टेटस मिल गया। आगे जाके और 6 देशों की टीम्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में ऐड हो गए। जैसे साल बीतते गए, टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट और ही रोमांचक बनता गया। 4 इनिंग्स में खेले जाने वाले इस फॉर्मेट में 6 बॉल्स का एक ओवर डाला जाता है, बट ये रूल पहले से नहीं था। इतिहास में ओरिजिनली 4 बॉल्स पर ओवर और आगे जाके उसमें भी चेंजेस आते गए, और फाइनली 1979 में 6 बॉल्स पर ओवर ये रूल फिक्स हो गया। पुराने दिनों में नंबर ऑफ बॉल्स पर ओवर दोनों कैप्टन्स के अनुमति से मैच के पहले फिक्स किया जाता था। 1980 से लॉ 17.1 के अनुसार द बॉल शाल बी बोल्ड फ्रॉम ईच एंड अल्टरनेटली इन ओवर्स ऑफ 6 बॉल्स, ये रूल लागू हो गया। बैट्समैन को 2 बार बैटिंग चांस देने वाले 5 दिन के इस फॉर्मेट में पर डे एटलीस्ट 90 ओवर्स और 6 घंटे का गेम खेला जाता है। इस क्रिकेट फॉर्मेट को टेस्ट का नाम देने का रीजन ये था कि इस लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यानी 5 दिन के गेम में प्लेयर्स ऑन ग्राउंड फिजिकली एज वेल एज मेंटली टेस्ट होते रहते हैं। टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जहां चारों रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं। टेस्ट फॉर्मेट ने हमें कई इंटरेस्टिंग मैचेस दिए हैं, जैसे 1999 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 308 का टारगेट चेस करते वक्त 105 पे 5 विकेट्स गवाए थे और ऑलमोस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों दे दिया था, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम ब्रायन चार्ल्स लारा ने वेस्टइंडीज को अपने दम पे 1 विकेट से मैच जिताया था। 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन में राहुल द्रविड़ और विवेक लक्ष्मण की पार्टनरशिप के बारे में शायद ही किसी इंडियन को पता नहीं होगा। इस फेमस मैच में स्ट्रांग ऑस्ट्रेलियन साइड ने फॉलो ऑन देकर भी उन्हें इंडिया से 171 रन की हार झेलनी पड़ी थी। 376 की इन दोनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप में द्रविड़ के 18 और लक्ष्मण ने 281 बनाए थे, और इसी मैच में हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी, जो कि 69 ईयर्स के इंडियन टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर ने नहीं किया था। सबसे पहली हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट में 1858 को हुई थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2005 में खेले हुए एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए लास्ट इनिंग में 62 रन चाहिए थे विथ 1 विकेट इन हैंड, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर ब्रेटली और माइकल कैस्परोविज ने 59 रन की साझेदारी करके मैच अपने देश के पाले में घुमा दिया था। विथ जस्ट 3 मोर रन टू विन, इंग्लैंड के स्टीव हार्मिसन ने कैस्परोविज को आउट करके ये फेमस मैच की जीत अपने देश के नाम कर दी। मार्च 1877 से आज तक 2000 से ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मैचेस विंस का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पे है, जिन्होंने 830 मैचेस खेलकर 393 में जीत पाई है विथ विनिंग परसेंटेज ऑफ 47.24। टेस्ट में हाईएस्ट रन स्कोरर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो कि सबसे ज्यादा यानी 200 टेस्ट मैचेस खेलने का भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। बॉलर्स में मुथैया मुरलीधरन ने सबसे ज्यादा यानी 800 विकेट्स लेने का कारनामा किया है, तो वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के नाम हाईएस्ट स्कोरर इन वन इनिंग यानी 400 रन का रिकॉर्ड, और फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट में भी ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम ही है, जिसमें उन्होंने 501 नॉट आउट की पारी खेली थी। ये थी कुछ बातें टेस्ट क्रिकेट के बारे में। नेक्स्ट वीक होने वाली दुनिया की सबसे पहली टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के बारे में भी हम अब तक वीडियो बना कर लाएंगे।
इस टूर्नामेंट के वन ऑफ फाइनलिस्ट इंडियन टीम के बारे में चैंपियनशिप के फाइनल तक का सफ़र आप तक हम विस्तार से लाने की कोशिश करेंगे। तब तक ख्याल रखिए, और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।